दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th मैं रात से परेशान है साहब, हम 4 बजे से परेशान है, इसको ढूंढ भी रहे थे, निकल भी रहा है और छोटे छोटे बच्चे भी परेशान है इधर। क्या कीजिए, क्या ये ऐसा सांप है साहब, 3 फुट के आसपास का ये। और सुबह भी हम सुबह से परेशान है, तो ये सारा कचरा हटाते हैं यहाँ से बड़ी मुश्किल से। हमारे लड़के हैं, इन्होंने भी निकलवाया सब कुछ है, बंटी है, जीतू है, इन्होंने पकड़ लिया आपने इसको? हाँ पकड़ लिया साहब। कितना फुट का है ये? 3 फुट का है साहब। ये दहशत का माहौल हो गया? दहशत का माहौल है, बच्चे अच्छे भी हमारे बहुत परेशान है, रात भर हो गए। किस जगह? ये भगवानगंज राजश्री पैलेस के पीछे ही है ये, रामबाग चौराया। मेरा नाम रमा शंकर है। दीपक मावर, मैं वार्ड 25 भगवानगंज अजमेर से हूँ। कल रात से ये शाम को ये सांप निकला है, पूरे मोहल्ले में दहशत हो चुकी है सांप से। कि आज सुबह भी हमने इसको देखता रहा, निकल रहा है, परेशान कर रखा है इसने हमारे को रात से ही। अभी हमने पूरा मशक्कत करके चूने भाटे हटा के, ये टेंट का सामान पड़ा हुआ राजश्री पैलेस के पास में, यहाँ से हमने इस सांप को करीबन 3 फीट का सांप है ये। दहशत हो गई है यहाँ, दहशत हो चुकी है। 2-3 घंटे से हम परेशान हैं यहाँ, सुबह 4-5 घंटे से हम परेशान हैं पूरे इस सांप को लेके। किस जगह है, कितना फुट का होगा ये? करीबन 3 फीट का सांप है। किस जगह की बात है? ये भगवानगंज रामबाग चौराया वार्ड 25 नाम दीपक मावर। जंगल में जाके छोड़ोगे? जंगल है ना यहाँ पे, अपने नाले में छोड़ जाइए, 2 नंबर पेट्रोल पंप के पास। राजश्री पैलेस के पीछे अजगर है। अजगर है, वाह यार, चूहे खाने वाला है। लो बहुत जगह तो यहाँ आई, आप साफ सफाई नहीं करते? कल शाम से 4 बजे से शाम हमको परेशान कर रखा पूरे मोहल्ले के अंदर, उसने हमारे को दहशत कर दी पूरे मोहल्ले के अंदर। हम रात भर 11 बजे तक ढूंढ रहे थे इसको, ढूंढ रहे थे इधर से उधर, फिर सुबह पता चला कि ये कबाड़ खाने कचरे कूड़े के।